स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम लोग करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम पे कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। सो ये नीट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और बीएससी नर्सिंग के लिए भी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द ग्लैंड विच इज़ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन इज़, यानी कि एक्सोक्राइन भी होगा और एंडोक्राइन भी होगा। सो ऑप्शन दिया है एड्रिनल, पिट्यूटरी, पैनक्रियाज एंड लीवर। सो करेक्ट ऑप्शन होगा पैनक्रियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल फॉर कैल्शियम मेटाबॉलिज्म इज़। सो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म के लिए जो ग्लैंड हमारी रिस्पॉन्सिबल होती है वो होती है पैराथायरॉयड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्मोन टर्म वाज क्वाइंड बाय। सो हार्मोन टर्म किसने दिया था? ऑप्शन दिया है ई एच स्टार्लिंग, जी डब्ल्यू हैरिस, ई एच स्केली या फिर डब्ल्यू एम बैलिस। सो राइट आंसर होगा ई एच स्टार्लिंग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन इन चिल्ड्रेन कॉजेज। सो ज़्यादा अमाउंट में थायरोक्सिन अगर चिल्ड्रेन में सिक्रीट हो रहा है सो इसका क्या कारण होगा? इससे क्रिटनिज्म नाम की एक डिजीज़ होगी। नाउ डायबिटीज़ इंसिपिडस इज़ कॉज्ड बाय हाइपोसिक्रेशन ऑफ। ऑप्शन दिया है इंसुलिन, वैसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन या फिर थाइमोसिन। सो डायबिटीज़ इंसिपिडस किससे कॉज होता है, मतलब कौन सा इसमें से ज़्यादा अमाउंट में सिक्रीट होगा? तो डायबिटीज़ इंसिपिडस होगा। सो राइट आंसर होगा वैसोप्रेसिन। इंसुलिन से सिर्फ डायबिटीज़ होता है और ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है जो बेबी बर्थ के टाइम पे सिक्रीट होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एमरजेंसी ब्लड प्रेशर इज़ कंट्रोल बाय। सो ऑप्शन दिया है थाइमस, एड्रिनल, थायराइड या फिर कॉर्पस लुटियम। सो राइट आंसर होगा एड्रिनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैराथॉर हार्मोन कॉजेज। ऑप्शन दिया है इंक्रीज्ड लेवल ऑफ सीरम कैल्शियम, इंक्रीज्ड लेवल ऑफ ब्लड प्रेशर, इंक्रीज्ड लेवल ऑफ ब्लड शुगर या फिर डिक्रीज्ड लेवल ऑफ ब्लड शुगर। सो राइट आंसर होगा इंक्रीज्ड लेवल ऑफ सीरम कैल्शियम। नाउ इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू, विच हार्मोन इज सिक्रेटेड एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन। सो बेबी बर्थ के टाइम पे कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है? ऑप्शन दिया है प्रोजेस्टेरोन, थायरोक्सिन, रिलैक्सिन या फिर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। सो राइट आंसर होगा रिलैक्सिन। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। ऑप्शन दिया है पैनक्रियाज, लीवर, पिट्यूटरी या फिर थायरॉयड। सो राइट आंसर होगा लीवर एंड सेकेंड लार्जेस्ट इज पैनक्रियाज। द मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन इज सिक्रेटेड बाय। ऑप्शन दिया है स्पर्म, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड्स या फिर इंटरस्टीशियल सेल ऑफ टेस्टिस। सो राइट आंसर होगा इंटरस्टीशियल सेल ऑफ टेस्टिस। नाउ हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेल्स आर फाउंड इन आईलेट्स ऑफ लैगर्न्स। ऑप्शन दिया है 1, 2, 3 या फिर 4। सो राइट आंसर होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरट हार्मोन डिफिशियंसी इन मैन कॉजेज। सो अगर ये मैन यानी कि एडल्ट्स में होगा इसकी डिफिशियंसी तो ये इससे कॉज होगी हाइपोकैल्सीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेस्टेरोन इज प्रोड्यूस्ड बाय। सो प्रोजेस्टेरोन एक फीमेल हार्मोन है एंड इट्स अ प्रेगनेंसी हार्मोन। ऑप्शन दिया है ग्राफियन फॉलिकल, पिट्यूटरी ग्लैंड, कॉर्पस ल्यूटियम या फिर प्रोस्टेट ग्लैंड। सो प्रोजेस्टेरोन कॉर्पस ल्यूटियम के थ्रू प्रोड्यूस होता है। ग्राफियन फॉलिकल्स ऑफ ओवरी सिक्रेट्स विच हार्मोन। ऑप्शन दिया है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन या फिर कॉर्टिसोन। सो राइट आंसर होगा एस्ट्रोजन। नेक्स्ट है लाइफ सेविंग हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय विच ग्लैंड। सो इट्स एड्रिनल ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेरोमोन इज। ऑप्शन दिया है ए प्रोडक्ट ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, यूज्ड फॉर एनिमल कम्युनिकेशन, mRNA या फिर ऑलवेज प्रोटीन। सो राइट आंसर होगा यूज्ड फॉर एनिमल कम्युनिकेशन। नाउ मिक्सोएडिमा इज ड्यू टू एक्सेस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एक्सेस थायरोक्सिन, डिक्रीज्ड इंसुलिन या फिर डिक्रीज्ड थायरोक्सिन। सो राइट आंसर होगा डिक्रीज्ड थायरोक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ पैराथायरॉयड ग्लैंड इज रिमूव्ड। सो इसको हम क्या कहेंगे? मिक्सोएडिमा, टिटैनी, हाइपोयूरिनेशन या फिर डायबिटीज़ इंसिपिडस। सो राइट आंसर होगा टिटैनी। इंसुलिन इज सिक्रेटेड फ्रॉम।
सो इट्स बीटा सेल्स ऑफ आईलेट्स ऑफ लैगरहंस. इफ थायराइड ग्लैंड ऑफ टैडपोल लार्वा इज रिमूव्ड देन इट विल डाई मेटामॉर्फोसिस इनटू एडल्ट फ्रॉग डिमिनिश्ड इन साइज या फिर इट विल बी इन टैडपोल स्टेज. सो राइट आंसर होगा इट विल बी इन टैडपोल स्टेज. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन द पीरियड ऑफ ग्रोथ लीड टू एक्रोमेगेली कशिंग मिडगेट्स या फिर क्रिटिनिन्स. सो राइट आंसर होगा एक्रोमेगेली. सिक्रेशन इज अंडर कंट्रोल ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी नर्व एक्सॉन्स इन ऑप्शन दिया है पाइनियल एड्रिनल कॉर्टेक्स एंटेरियर पिट्यूटरी या फिर पोस्टेरियर पिट्यूटरी. सो राइट आंसर होगा पोस्टेरियर पिट्यूटरी. रिमूवल ऑफ एब्सेंस ऑफ थाइमस इन ईयरली लाइफ शैल ब्रिंग अबाउट लैक ऑफ लिम्फोसाइट्स लैक ऑफ एंटीबॉडीज लैक ऑफ लिम्फ नोड्स या फिर ऑल ऑफ दीज. सो राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज. नेक्स्ट है हार्मोन ऑक्सीटोसिन कंट्रोल्स ग्रोथ लैक्टेशन चिल्ड्रन चाइल्ड बर्थ या फिर बोथ बी एंड सी. सो ऑक्सीटोसिन हार्मोन बोथ बी एंड सी होगा. लैक्टेशन के पीरियड में भी ये कंट्रोल करता है और चाइल्ड बर्थ में भी इसका सिक्रेशन होता है. नेक्स्ट है हार्मोन मेलाटोनिन इज सिक्रेटेड बाय ऑप्शन दिया है एड्रेनल थाइमस पिट्यूटरी या फिर पीनियल. सो राइट आंसर होगा पीनियल. फादर ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी इज सो राइट आंसर होगा एडिसन. लेडिक सेल्स सिक्रेट इस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन टेस्टोस्टेरॉन या फिर एल्डोस्टेरॉन. सो राइट आंसर होगा इसका लेडिक सेल्स क्या सिक्रेट करती हैं टेस्टोस्टेरॉन. इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन जो है इट्स अ फीमेल हार्मोन. नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्सिटोनिन इज मेनली सिक्रेटेड बाय ऑप्शन दिया है एड्रिनल पिट्यूटरी ओरा थायरॉयड या फिर थायरॉयड. सो राइट आंसर होगा इसका थायरॉयड. नेक्स्ट है हार्मोन स्टिमुलेटिंग मिल्क सिक्रेशन इज ऑप्शन दिया है प्रोलैक्टिन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एस्ट्रोजन या फिर टेस्टोस्टेरॉन. सो राइट आंसर होगा प्रोलैक्टिन. नेक्स्ट है एंड इट्स लास्ट क्वेश्चन थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर इज सिक्रेटेड बाय यानी कि इसका शॉर्ट फॉर्म होगा TRF. ऑप्शन दिया है हाइपोथैलेमस एडिनो हाइपोफिसिस पेर्स इंटरमीडिया या फिर न्यूरो हाइपोफाइसिस. सो इसका राइट आंसर होगा ए यानी कि हाइपोथैलेमस. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना और एक लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना. एंड थैंक्स फॉर योर सपोर्ट स्टूडेंट्स. थैंक यू.